कांग्रेस ने श्रमिकों की समस्या के समाधान के लिए श्रमिक न्याय गारंटी का ऐलान कर दिया है। ये उन श्रमिकों के लिए है जिन्हें दिन रात काम करने के बावजूद महीनों तक वेतन नहीं मिला। उन श्रमिकों के लिए है जो भाजपा की गलत नीतियों के कारण आत्महत्या करने पर मजबूर है। मोदी काल में लाचार और मजबूर श्रमिकों के लिए ये गारंटी वरदान साबित हुई। सबसे पहले है स्वास्थ्य अधिकार, जिसके तहत कांग्रेस श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य अधिकार का कानून बनाने की गारंटी देती है। साथ ही अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और डिसेबिलिटीज के शिकार लोगों के लिए जरूरी जांच, मुफ्त इलाज, दवाओं का इंतजाम, सर्जरी सहित रिहैबिलिटेटिव और पैलेटिव केयर सहित यूनिवर्सल हेल्थ केयर की व्यवस्था की जाएगी। फिर है श्रम का सम्मान। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाकर 400 रुपए प्रतिदिन करेगी, जो मनरेगा श्रमिकों के लिए भी लागू होगी। इसके साथ ही शहरी रोजगार गारंटी, कांग्रेस शहरी क्षेत्रों के लिए रोजगार गारंटी कानून लेकर आएगी। इसके तहत पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए शहरों को जलवायु के अनुसार ढालने और सामाजिक सेवा तंत्र को और मजबूत बनाया जाएगा। सामाजिक सुरक्षा, असंगठित क्षेत्र यानी कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के सभी श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा के लिए जीवन बीमा और दुर्घटना बीमा का प्रावधान होगा। इसके साथ ही सुरक्षित रोजगार, मोदी सरकार द्वारा पारित एंटी वर्कर लेबर कोड्स की कांग्रेस सरकार व्यापक समीक्षा करेगी। श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए उचित संशोधन की भी हम गारंटी देते हैं। कांग्रेस मुख्य सरकारी कार्यों में रोजगार के लिए ठेका प्रथा को बंद करेगी। कॉन्ट्रैक्ट लेबर केवल आखिरी विकल्प होगा, जिसमें क्लियर जस्टिफिकेशन के साथ ही श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की जाएगी। प्राइवेट सेक्टर के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट में सोशल सिक्योरिटी के मिनिमम स्टैंडर्ड का पालन करना अनिवार्य होगा। आजादी के बाद से लेकर जब जब देश में कांग्रेस की सरकार रही है, तब तब श्रमिकों की बेहतरी के लिए, उनकी उन्नति के लिए काम किया गया है। कई कानून भी हम लेकर आए, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, ईएसआई एक्ट, ईपीएफ एक्ट और मनरेगा जैसे कई श्रम हितैषी कानून कांग्रेस पार्टी लेकर आई। कांग्रेस वादा करती है सरकार में आने के बाद जिनके हाथों से देश बनता है, उन श्रमिकों की आय, उन्नति, सुव्यवस्था और खुशहाली के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे।